आज मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है और मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि जा को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। ये तय बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और बीजेपी को सबको दारुण दुख बड़ा मिलने वाला है। जिस घटघट में राम बसते हैं, पूरे ब्रह्मांड के नियंता राम है, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ राम की मर्जी से होता है। जिन राम के नाम से पत्थर तैर गए, आज उन राम के लिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता गुलाबचंद जी कटारिया, मुझे तो आश्चर्य है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जो हालात जिस तरह से क्रिएट हो रहे हैं पूरे देश में और बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि भगवान ही नहीं इनकी मति हर ली और इनके घर में दारू दुख आने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात स्पष्ट हो गई, पहले महाराणा प्रताप के लिए, स्वाभिमान के गौरव, बलिदान के गौरव, त्याग तपस्या बलिदान के गौरव, प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए पहले गलत शब्दों का प्रयोग किया गुलाबचंद जी कटारिया साहब ने। अब तो स्पष्ट करना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी को और बताना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी को कि भगवान राम के नाम से बीजेपी को फायदा हुआ है या भगवान राम नाम ही आपका बनाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए। आजादी के आंदोलन में, भारत की आजादी के आंदोलन में बीजेपी कहीं पर नहीं थी, बीजेपी के नेता कहीं पर नहीं थे, आरएसएस कहीं पर नहीं था। भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी यहां तक पहुंची। हम लोग भी भगवान राम का नाम लेकर बड़े हुए। हम भगवान राम का अपने आप को वंशज मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, करोड़ों लोग मेरे जैसे भगवान राम के वंशज हैं। लेकिन भगवान राम के लिए इस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते हैं। शर्म आनी चाहिए। जो पाप भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर खुलकर कह रहा हूं कि जा को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। जो हालात क्रिएट हुए हैं इसमें ये बात तय हो गई कि इनको दारुण दुख मिलने वाला है, बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी पार्टी की, इनकी मति हर ली है, इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं।